दोस्तों, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, एजेंसी ओनर हैं या फिर इंडिया में आप काम करते हैं और चाहते हैं कि यूएस में अपनी कंपनी को रजिस्टर करना, तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक वेबसाइट के बारे में बताया है जिस वेबसाइट की मदद से आप अपने बिजनेस को यूएस में रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक पूरा पोर्टल है जहां से आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने ये भी दिखाया है कि कैसे वो पोर्टल आपको दिखता है और कैसे आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। दोस्तों, सीधे चलते हैं, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं वो कौन सी वेबसाइट है और उसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दूंगा, देन उसके बाद आपको पूरी डिटेल में कि कैसे प्लेटफॉर्म दिखता है, कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। गाइस, वेबसाइट का नाम है klemta.com। klemta.com की मदद से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये वेबसाइट आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन में और अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी कुछ ये बताने वाला हूँ कि और क्या क्या बेनिफिट्स आपको klemta.com से मिलते हैं। जैसे कि ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। लाइक आप यहाँ पे इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बुक कीपिंग से रिलेटेड और इनवाइसिंग से रिलेटेड काफी सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ से आप अपने फाइनेंसिस को एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हैं। आपको EIN और ITIN नंबर भी मिल जाता है, हैसल फ्री एप्लीकेशन है। यहाँ पे बैंकिंग आपको बहुत इजी बना देता है ये टूल, और डेडिकेटेड रजिस्टर्ड एक एजेंट आपको मिलता है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस को रजिस्टर करने से लेके आपके बिजनेस को ग्रो करने तक। तो klemta.com इसका नाम है। बाकी मैं थोड़े से और टूल्स को एक्सप्लोर कर देता हूँ, देन मैं आपको इस जो klemta.com है वो कैसे दिखता है, वो प्लेटफॉर्म डैशबोर्ड कैसा दिखता है, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो गाइस, अगर आप सब जैसे फ्रीलांसर हैं या बिजनेस ओनर हैं, आपको चाहिए कि आप यूएस में काम करते हैं, डील करते हैं, तो आप यूएस में इनवॉइसेस बना के भेज सकते हैं। इस टाइप के इनवॉइसेस आप देख रहे हैं, आपको एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इस तरीके के आप बिजनेस इनवॉइसेस बना सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने जो टैक्सेस होते हैं, जो यूएस में अगर आप काम कर रहे हैं तो दुनिया भर के टैक्सेस को मैनेज करना पड़ता है, तो इस टूल की मदद से आप टैक्सेस को भी मैनेज कर सकते हैं, और जो कंप्लायंसेस होते हैं वो भी आपको मतलब डेट वाइज सारी चीजें मिल जाती हैं, सो दैट आप अपनी डेडलाइन ना मिस करें, है ना। तो वो सारी चीजों का रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे मिलता रहता है। बुक कीपिंग आपको मिल जाती है, जो कि बहुत सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं जो आपको और कहीं शायद अलग अलग ढूंढनी पड़े। डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए भी सेम प्लेटफॉर्म पे आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। कस्टमर को मैनेज करने के लिए भी, भाई किसने कितना स्पेंड किया है ना, तो ये सारी चीजें भी आप यहीं से ट्रैक कर सकते हैं, और आप इनके जो ऑफर्स हैं अलग अलग जो टूल्स के साथ वो भी ये आपको देते हैं। बाकी आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए कि इसमें आपको क्या क्या और बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप अपने यूएस में बिजनेस को रजिस्टर कर रहे हैं। तो फिर भी एक बार मैं जल्दी से क्विक गो थ्रू कर देता हूँ। बैंक अकाउंट एप्लीकेशन, EIN नंबर, ITIN मिल जाएगा, फेडरल टैक्स फाइलिंग, स्टेट टैक्स फाइलिंग, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ट्रेडमार्क, रीसेलर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग, है ना, अमेंडमेंट टू आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आपको मिलता है, डिसोल्यूशन अगर आपको कंपनी को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए भी क्या प्रोसेस है, सारी चीजें आपको करके देते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे है कि आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है, काफी आपको बिजनेस में ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और पेपर वर्क में काफी हेल्प करते हैं ये klemta। आप अपने बिजनेस को स्केल भी कर सकते हैं klemta के थ्रू। बाकी रिव्यूज आप पढ़ लेना इस कंपनी के बारे में, और आप गेट स्टार्टेड, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। मैं आपको थोड़ा सा लॉग इन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये डैशबोर्ड दिखता है और कैसे आप klemta.com को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं अगर आप यूएस में कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर यूएस में काम करते हैं। तो गाइस, अगर आप सब लाइक फर्स्ट टाइम इसमें लॉग इन करना है आपको, तो पहले आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आपको पूरा अपना जैसे फॉर्म बनाना है, आप गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं, आप फेसबुक से भी लॉग इन कर सकते हैं, बट अभी मैं ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो मेरे केस में मैं लॉग इन करूंगा, और जैसे मैं लॉग इन करूंगा तो ये मेरा ऑलरेडी मैंने लॉग इन किया हुआ था। तो इस तरीके से डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिख जाता है, जहाँ पे डैशबोर्ड पे जो भी आपके कंपनी की डिटेल्स हैं, जो भी EIN नंबर है, इंडस्ट्री कौन सी है, राइट, वो सारी चीजें आपको दिख जाता है कि भाई किस दिन आपने अपनी कंपनी को फॉर्म किया था। देन उसके बाद क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं, जो आपने जैसे 15 अप्रैल को LLC फेडरल टैक्स डेडलाइन है तो वो आपको भरना है, 12 दिन लेफ्ट है, 92 डेज लेफ्ट, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको डैशबोर्ड जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको सारी डिटेल दिख जाएगी।
देन आप इन्वॉइसेस सेक्शन में जाएंगे तो जितने भी इन्वॉइसेस आपने बनाए होंगे, जैसे ये इन्वॉइस है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, पेड है, कैंसिल्ड है, राइट। तो कस्टमर का नाम क्या है और किस प्रोडक्ट के लिए आपने इसको इन्वॉइस बनाया था, कितने के लिए इन्वॉइस बनाया था, टैक्स डिटेल क्या है, सारी चीज़ें, किस दिन आपने इशू किया था, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। देन उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं इन्वॉइसेस, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हमको कोई नया इन्वॉइस बनाया तो न्यू इन्वॉइस पे क्लिक करके आप यहीं से सारा इन्वॉइस बना सकते हैं, जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स के डिटेल डाल के जो भी इन्वॉइस आपको बनाना है, डिस्क्रिप्शन में जो भी डेटा आपको डालना है, वो सारा करके आप इन्वॉइस बना के और सेंड ईमेल पे क्लिक करके आप इसको तुरंत भेज भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप न्यू इन्वॉइसेस को आप बना सकते हैं, राइट। देन अगर हम बात करें कि अगर अकाउंट्स को मैनेज करने की बात होती है, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप देख सकते हैं, आप अपने अकाउंट को लिंक भी कर सकते हैं जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, राइट। नहीं तो आप चाहें तो मैनुअल ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप ट्रांजेक्शन्स पे जाइए, बुक्स पे, आप न्यू ट्रांजेक्शन को मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं कि ये हमारी एक इनकम है या फिर हमारा ये एक एक्सपेंस है। इस तरीके से आप अपने सारे जो अकाउंट्स है उसको मैनेज कर सकते हैं। आपको कोई मेल आया है तो आप यहाँ से सारे चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पे अपने नए डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं फोल्डर। देन कॉन्टैक्ट्स, मतलब जिन लोगों से आपने बातचीत की होगी अभी तक, राइट, सबका कॉन्टैक्ट डिटेल कब बने हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से डैशबोर्ड शोकेस होता है। और आपके कुछ जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, डाल सकते हैं कि हमारे कितने एसेट्स हैं। जैसे इन भाई ने फोर्ड मस्टैंग यहाँ पे $20,000 में खरीदी थी, जो भी इसका बिजनेस यूज कितना हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहीं से मैनेज कर पाएंगे। बैंक अकाउंट्स अगेन यहाँ से लिंक कर सकते हैं। टैक्सेशन में जो टैक्स आपको भरने पड़ते हैं, फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेल्स टैक्स, तो यहाँ से आप कंटिन्यू क्लिक करके वो टैक्सेशन में भी सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप यहाँ पे चैट सपोर्ट पे क्लिक करके आप इनसे बातचीत भी कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल ऑफर्स अगर इनके पास रहते हैं आपके लिए, तो आप कुछ स्पेशल ऑफर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई अलग अलग जो टूल्स हैं उनके साथ अगर कोई स्पेशल ऑफर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्पेशल ऑफर्स देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से और अलग अलग टूल्स पे, जो इनके जिन्होंने भी क्लमटा के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो आप यहाँ पे सारे ऑफर्स को देख पाएंगे। देन आपकी कंपनी क्या है वो आप कंपनी की पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी का नाम क्या है, लीगल एड्रेस क्या है, सारी डिटेल आपको यहीं पे ही मिल जाएगी। तो गाइस इसी तरीके से डैशबोर्ड दिखता है क्लमटा का। अभी हम थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग की, किसका क्या प्राइस आपको पड़ता है जब आप क्लमटा, अगर क्लमटा के साथ आप जाना चाहते हैं, इस टूल को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा प्राइसिंग डिस्कस कर लेता हूँ आप सभी के साथ। तो ये प्राइसिंग सेक्शंस पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइसिंग मिलेगा कि क्लमटा आपको क्या चार्ज करता है मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे। तो गाइस अगर आप जैसे जाते हैं जो एसेंशियल प्लान है, ये US में अगर आपको बिजनेस रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे ये आपको पड़ता है $29 प्लस स्टेट फीस, जो कि ईयरली बिलिंग होती है, जिसमें आपको कंपनी फॉर्मेशन फ्री मिलती है, EIN फ्री मिलता है, बैंक अकाउंट एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्लमटा का अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग टूल आपको मिलता है अगर आप ये एसेंशियल वाला प्लान चूज करते हैं। तो अगर आप हम यहाँ पे बात करें कि ग्रोथ प्लान की, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जो कि आपको पड़ता है $75 पर मंथ प्लस स्टेट फीस, देन ये भी ईयरली बिल होता है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप इस प्लान को चूज कर सकते हैं। इसमें जो एसेंशियल प्लान में सब कुछ मिलता है वो सारा इंक्लूडेड है। देन स्टेट प्लस फेडरल टैक्स फाइलिंग मिलता है, टेम्पलेट लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्लमटा बुक प्लस आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे $200 के से ज़्यादा आपको पर्क मिल जाएंगे, जो कि रिवॉर्ड्स और आपको बेनिफिट जो कि आप अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम पे अगर आप जाएंगे तो प्रीमियम आपको पड़ेगा $195 पर मंथ प्लस स्टेट फीस। अब ये वाला प्लान अगर आप चाहें तो ये मंथली भी बिल होता है, मंथली बिलिंग में ये $300 आपको पड़ेगा, ईयरली जाएंगे तो ये $195 पर मंथ पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक्सपेडिटेड सर्विस मिलती है, ईयरली बुक कीपिंग विद CPA मिलता है, क्वार्टरली CPA कंसल्टेशन एंड सेल्स टैक्स फाइलिंग्स मिलती हैं, प्रीमियम लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, लाइक US फोन नंबर भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रीमियम प्लान में मिलती हैं। आपको अगर और भी प्राइसिंग प्लान कंपेयर कर रहे हैं किसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो आप प्लान्स को आके चेकआउट कर लीजिए, जिसमें कि आपको जो जो बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं पूरा डिटेल में दिया हुआ है क्लमटा.com/filing पे। तो
जाके आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको एडिशनल सर्विसेज चाहिए तो ये भी आपको यहाँ पे मिलता है, और आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई सर्विस बाय करने जा रहे हैं या फिर यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिल रहा है उसका अगर आप बाहर से इंडिविजुअल खरीदेंगे तो उसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, और क्लेम्प्टा के साथ आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा या फिर सस्ते प्राइस पे मिलेगा। तो आप ये भी चेकआउट कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा इनके जो फीस है और सारी चीज़ें और क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो क्लेम्प्टा.com एक ट्रस्टेड कंपनी है, आप एक बार फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिए, आपको लगता है कि ये सही वेबसाइट है जहां से हम अपनी जो US में बिजनेस है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने क्लेम्प्टा.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके क्लेम्प्टा.com पे साइन अप कर सकते हैं और इनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, और इनका जो प्लान आपके लिए सूटेबल हो आपको लगे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया है कि क्लेम्प्टा क्या है, कैसे इसको यूज करना है, तो मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके जाके आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं कि कैसा ये जो भी आपको प्लान लगता है सूटेबल आपके लिए जो बेस्ट है आप उस प्लान को चूज़ कर लीजिए और क्लेम्प्टा को यूज़ करिए। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जाके आप उनको भी देख सकते हैं। हमारी जो पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में काफ़ी सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, अलग अलग जो भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है तो आप उन वीडियोज़ में भी जाके कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए तो जो भी अपडेट्स होंगे वहाँ पर मैं सबसे पहले डालता हूँ। टेलीग्राम पर भी चैनल, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सब पहली बार अगर मुझे देख रहे हैं हमारे चैनल को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।